Guys, this is Pawan Kumar and you're watching Swadhyaya Education YouTube channel. And in this video, I'm going to take a topic of class 6 chapter 1 science ka food, where does it come from? So, aaj hum baat karenge food wo aur wo kahan se aata hai, isko short topics mein baat karunga main. और इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट जो नोट्स है, वो सारे का जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. और वहाँ से अगर पढ़ेंगे तो वो शॉर्टली उसमें मैं जो जो चीज़ यहाँ समझाने वाला हूँ वो चीज़ वहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने को. तो बिना लेट किए चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को. तो और इस चैप्टर के अंत में बताऊँगा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं. तब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का फूड क्या होता है. तो फूड इज अ डैट टाइप ऑफ सब्सटेंस विच इज कंज्यूम्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू सपोर्ट देयर लाइव्स. और या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, फूड इज एनी सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म. इट इज यूजली ऑफ प्लांट एनिमल ऑरिजिन और एंड इट कंटेन्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो अब हम लोग जानते हैं कि फूड, तो हम लोग समझ गए कि फूड क्या होता है, जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, फैट प्रोवाइड करे, जो हमें जिंदा रहने के लिए जिस जिस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो हमें और हमें मिलता है, उसको हम लोग फूड कहते हैं. जैसे कि सुबह का खाना हम लोग खाते हैं न्यूट्रिशन के लिए, शाम का खाना खाते हैं, दोपहर का खाते हैं, फिर रात का खाते हैं. तो जैसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी करते हैं तो उसको हम लोग फूड के नाम से जानते हैं. हम लोग फूड से वो न्यूट्रिशन हम लोग को मिलता है. इसीलिए अब लोग बात करते हैं फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज. तो मेनली जो फूड का सोर्सेज है वो दो जगहों से आता है, एक एनिमल और दूसरा प्लांट से. और उसी को हम लोग प्रोसेस करके फिर बाकी बाकी जितने प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग बनाते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रूट फूड जो है वो प्लांट से कैसे आता है, प्लांट से कौन कौन से फूड आते हैं. तो सबसे पहले आता है राइस, जो एवरीडे हम लोग खाते हैं, वीट जिससे रोटी बनती है, पल्सेस, स्पाइसेस, सुगर्स और बहुत सारे ऐसे ही कुछ जो कि प्लांट से आते हैं. अब बात करते हैं एनिमल से. तो एनिमल से शायद आप सबका फेवरेट होगा आपका चिकन हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, बीफ, पोक और जितने टाइप के एनिमल्स का हम लोग मीट खाते हैं उसको हम लोग एनिमल प्रोडक्ट कहते हैं. और एनिमल से जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग एनिमल प्रोडक्ट करते हैं. तो अब हम लोग बात करते हैं प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. तो प्लांट्स आर द वन सोर्सेज ऑफ फूड वी ईट. तो प्लांट्स जो है वो सबसे ज़्यादा हम लोग अभी खाते हैं, क्योंकि प्लांट्स का जो रेशियो है एज कम्पेयर टू एनिमल वो कुछ कम है इसीलिए. और इजी टू अवेलेबल भी प्लांट वाला है इजीलिए, क्योंकि ये जल्दी ग्रो भी करता है और खाने लायक जल्दी हो जाता है. लेकिन एनिमल्स में क्या है कि आप उसको प्रोडक्शन तो अपना आप बढ़ा नहीं सकते हैं, वो तो एनिमल्स पे डिपेंडेंट है. इसीलिए हम प्लांट को एज अ प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं. तो प्लांट्स आर द वन सोर्सेज ऑफ फूड वी ईट. तो इसमें भी प्लांट्स में बहुत सारा आता है, लाइक लीफली वेजिटेबल, फ्रूट्स, रूट, स्टेम्स एंड फ्लावर्स. अब बात करते हैं हम लोग एडिबल प्लांट्स क्या होती हैं. एडिबल प्लांट्स आर दो टाइप्स ऑफ प्लांट जो कि दो से ज़्यादा बार उसको खाया जा सकता है, मतलब दो टाइम से ज़्यादा बार में खाया जा सकता है. लाइक अगर मैं बात करता हूँ मस्टर्ड की, तो उसको भी दो टाइप्स में हम लोग कर सकते हैं. लाइक उसका सीड से हम लोग ऑयल बनाते हैं और लीव्स जो है वो हम लोग वेजिटेबल बनाते हैं. बनाना जो है वो बनाना है, नहीं है एडिबल प्लांट, बिकॉज उसको बस हम लोग उसका फ्रूट खाते हैं इसीलिए. अब हम लोग बात करते हैं स्प्राउटेड की. स्प्राउटेड क्या होता है? तो स्प्राउटेड इज अ टाइप ऑफ वाइट सब्सटेंस विच ग्रो आउट ऑफ द सीड आफ्टर सीड आर ड्रोन इन वाटर और रैप्ड विथ क्लोथ. मतलब आप एक इसको एग्जांपल से आप ले सकते हैं. लाइक अगर आप चना को ले लीजिए, चना को आप रात भर फुलाइए उसको पानी में, और फिर उसको सुबह उठकर कोई भी एक कॉटन कपड़ा ले लीजिए, उसमें उसको रैप करके उसको रख दीजिए. करीब आप देखिएगा हाफ अ डे पार होने के बाद उसमें जो है अंकुर टाइप का कुछ आ गया है. अंकुर उसको बोला जाता है, स्प्राउटेड मतलब अंकुर होता है. तो उसके टाइप का कुछ आ गया है जिससे वो बड़ा होकर स्टेम और रूट अलग अलग हो जाएगा वहाँ से, और वहाँ से वो एक अच्छा पेड़ बनाएगा. तो अब हम लोग बात करते हैं हनी एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम.
तो हनी जो स्पेशली जो है वो हम लोग जो खाते हैं वो अभी जो बहुत कम ही आता है हनी बी से, अभी तो सब आर्टिफिशियल आता है, बट हनी जो है वो एक्चुअली में हनी बी से आता है। और हनी बी क्या करता है कि वो स्वीट जूसेस जो होता है वो फ्लावर से कनेक्ट करता है नेक्टर के थ्रू, नेक्टर में वो स्टोर करके रखता है और उसको वहीं पे कन्वर्ट करता है वो हनी में, और वो उस हनी को फिर जाके अपने हनी कॉम्ब में स्टोर कर देता है। तो इस टाइप से वो ये जो है वो हनी बनाया जाता है। इन सब का जो रिविज़न नोट्स है वो आपको इसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और आप उसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरी अच्छे तरह से ये जो चैप्टर है वो समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं व्हाट डू एनिमल ईट। तो सभी को पता है यार एनिमल जो है वो फूड ईट करता है, जो स्पेशली जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं एनिमल्स। पहला है हर्बीवोर्स, दूसरा है कार्निवोर्स, तीसरा है ओमनीवोर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हर्बीवोर्स की। तो हर्बीवोर्स का मतलब समझ में आ रहे हैं, हब हब मतलब होता है प्लांट, मतलब प्लांट ईटिंग एनिमल। तो दोज एनिमल्स विच लाइक तो हम लोग हर्बीवोर्स लेते हैं सबसे पहले। तो हर्बीवोर्स आर दोज टाइप ऑफ एनिमल विच ईट्स ओनली प्लांट्स, मतलब हर्बीवोर्स उस टाइप का एनिमल है जो केवल प्लांट्स खाता है। अब बात करते हैं हम लोग कार्निवोर्स की। तो कार्निवोर्स इज दोज टाइप ऑफ एनिमल विच ईट फ्लेश एंड मीट, मतलब कि कार्निवोर्स उस टाइप का एनिमल है जो फ्लेश और मीट खाता है, बस यही दोनों पे डिपेंड करता है। लाइक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ लायन टाइगर, और हर्बीवोर्स का ले लेते हैं गोट हो गया, काउ हो गया। अब बात करते हैं ओमनीवोर्स की। तो ओमनीवोर्स आर दोज टाइप ऑफ एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। लाइक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपका ह्यूमन बॉडी हो गया, लाइक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ह्यूमन बींग, क्रो एटसेट्रा। तो ये था इस चैप्टर में बस इतना ही, और इधर मैं जो ये सब है ये टिप्स टू रिमेम्बर ऑफ चैप्टर वन है, और यहाँ पे भी आपका ये करीब 2 पेज का है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो टिप्स टू रिमेम्बर है कि क्या क्या आपको टिप्स जो है वो रिमेम्बर रखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनिमल्स का, एनिमल बेसिस ऑफ द हैबिटेट। तो इसमें आपको लिखना है एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। इन ग्रेड्स ऑफ सोर्स फूड, इन प्रोवाइड एनर्जी डेवलपमेंट, और जो इसमें मटेरियल्स यूज किया जाता है नोन एज इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक दाल, मेड अप ऑफ पल्सेस, वाटर, ऑयल एंड स्पाइसेस। मैं इसका एक और एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि दो टाइप में एग्जांपल लूँगा कि अगर आप एक इडली बना रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला जो इसमें इंग्रेडिएंट्स रहेगा वो राइस रहेगा जो कि प्लांट से आता है, दूसरा रहेगा उड़द दाल जो कि प्लांट से आता है, तीसरा रहेगा वो है वाटर वो जो कि सिटी सप्लाई करता है, और एज अ गैस वो तो नेचुरल है, वो अर्थ के नीचे से डिग करके निकाला जाता है। मैं आगे पढ़ाऊंगा उसके बारे में एलपीजी में। अब मैं दूसरे की बात करता हूँ। तो जैसे कोई चिकन बिरयानी लेते हैं, चिकन करी ले लेते हैं। तो चिकन करी में क्या क्या चाहिए, सबसे पहले चिकन चाहिए जो कि एनिमल प्रोडक्ट है, दूसरा है आपका स्पाइसेस उसमें जो कि प्लांट प्रोडक्ट है, और तीसरा है वाटर जो कि सिटी सप्लाई है। तो इस टाइप से आपका जो सोर्सेज ऑफ फूड है, इंग्रेडिएंट्स है, वो देखा जाता है। तो इन सब का जो रिवीजन नोट है ये जो आपको दिख रहा है, इन सभी का मैंने जो पीडीएफ है वो लिंक में डाल दिया, आप जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ओमनीवोर्स एंड कार्निवोर्स। तो ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स के बीच में डिफरेंस बताना है तो हम लोग वही लिखेंगे जो ओमनीवोर्स आर दोज टाइप ऑफ एनिमल विच ईट प्लांट्स एंड एनिमल बोथ। अब जैसे एग्जाम्पल में दे देते हैं ह्यूमन बींग और क्रो, और कार्निवोर्स का बात करेंगे तो कार्निवोर्स जो है केवल फ्लैश खाता है। आपको कार्न मतलब याद रखना है फ्लैश, हब मतलब याद करना है प्लांट, और दोनों का मिक्स हो जाएगा तो वो ओमनी हो जाएगा। तब हम लोग बात करते हैं सेकंड की, स्टेट ऑल एनिमल प्रोडक्ट। तो
ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स आर, जितने भी टाइप के एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो आप लिख दीजिए, जो भी आपको याद है, चार पांच जितने भी, लाइक मिल्क हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया, मीट, फ्लेश, एग, इन सभी, ये सभी जो है वो प्लांट का है। अब बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेरियन फूड? तो वेजिटेरियन फूड आर दोज टाइप ऑफ फूड विच कम्स फ्रॉम प्लांट एंड ह्यूमन बींग्स ईट इज कॉल्ड वेजिटेरियन फूड। लाइक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, पोटैटोज, राइस, व्हीट, पल्सेस। तो जितने भी हर्बीवोर्स खाते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, जो भी ओमनीवोर्स वाले लोग हैं वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों रहते हैं, और जो कार्निवोर्स हो गए वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या अगर आपको कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ जो है वो इसी टाइप से चलने वाले हैं। इसका सीरीज़ चलने वाला है, क्लास 6 का, फिर क्लास 7, फिर क्लास 8, क्लास 9, फिर क्लास 10, फिर 11, फिर 12। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।